अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कूल इलेक्ट्रिकल पॉइंट। आज हम वॉशिंग मशीन का जो गियर बक्सा है वो चेक करेंगे। वॉशिंग मशीन अक्सर जो है ना, इसकी वजह से स्पीड की प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है, जो कि नीचे से चल रही होती है और ऊपर से जो इसका फूल है वो घूमता नहीं है। ये बिल्कुल न्यू गियर बक्सा है। सबसे पहले तो हम इसके साइडों से स्क्रू खोल लेंगे। दोस्तों स्क्रू खोलने के बाद इसके नीचे वाली साइड पे आ जाएंगे, जहाँ से हमने गियर बक्से की इंस्टॉलेशन करनी है। गियर बक्से के ऊपर जो इसका जैन होता है वहाँ पे हम बोन लगा लेंगे। बोन लगाने के बाद इसके जो पहले तो हम स्क्रू खोल लेंगे। स्क्रू खोलने के बाद इसी जगह पर से हम फिट कर लेंगे। दोस्तों ये याद रखें कि इसकी इंस्टॉलेशन करते वक्त आमने सामने वाले पहले स्क्रू टाइट करें। दोस्तों इसके मैंने स्क्रू सारे टाइट कर लिए हुए हैं और इसे एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेंगे। इसे टाइट करने के बाद हम जो इसकी बॉडी है उसे हम फिट कर लेंगे दोबारा से। उसी तरह इसे मैंने दोबारा इसकी सेटिंग कर ली है और इसके ऊपर हम दोबारा इसके स्क्रू टाइट कर लेंगे इसी तरह ही नीचे से ही। दोस्तों इसी तरह इसके हम चारों तरफ से स्क्रू टाइट करने के बाद इसे हम दोबारा उल्टा कर देंगे और उल्टा करने के बाद इसके स्क्रू दोबारा चेक कर लेंगे। अगर कोई कसर रह गई है तो हम उसे पूरा कर लेंगे। चारों तरफ से स्क्रू टाइट करने के बाद हम इसका जो बेल्ट है वो बेल्ट हम चढ़ा लेंगे। बेल्ट चढ़ाने के बाद इसका जो ड्रेन पाइप है, ड्रेन पाइप जो मैंने उतार दिया हुआ था, अब हम इसे दोबारा फिट कर लेंगे। इसे भी हम बोन लगा लेंगे ताकि इसमें से भी कोई लीकेज वगैरह ना हो। और इसका जो कैचर है, इसे कैचर को भी इसके भी दोबारा से हम स्क्रू टाइट कर लेंगे। बैक साइड वाला कवर भी हम अभी से ही लगा के इसे फाइनल कर देते हैं, क्योंकि हम दोबारा हमने नीचे वाली साइड पे नहीं आना। नहीं, नीचे वाला काम हमारा कंप्लीट है, अब हम ऊपर फूल वाली साइड पे आ जाएंगे। सबसे पहले तो इसकी जो वाशल है, नीचे जो वाशल लगते हैं वो वाशल हम लगा रख लेंगे और उसके बाद हम इसका जो फूल है वो ऊपर रख के इसे बैठाने के बाद इसका भी जो बोल्ट है, जो इसका स्क्रू है ऊपर से, वो रख के इसे टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसे टाइट करने के बाद अब हम इसे
चलाकर चेक कर लेंगे। दोस्तों ये हमारी वॉशिंग मशीन बिल्कुल रेडी है और हम इसे लोड डाल के चेक कर लेंगे ताकि ये पता चल जाए कि कपड़ों का ये लोड उठा सकती है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।